तो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए और कंपटीशन एग्ज़ाम के सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भूगोल का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं, सौरमंडल। सौरमंडल में ग्रह से संबंधित, प्लेनेट से संबंधित आज हम दूसरा वीडियो लेके आए हैं। उसको ध्यान से देखते हैं कैसा क्या है। तो सौरमंडल दोस्तों किसको कहते हैं? सौरमंडल जो खगोलीय पिंड होते हैं, है ना, जो सौरमंडल में खगोलीय पिंड होते हैं, उन खगोलीय पिंडों को से संबंधित नॉलेज देखते हैं कैसा क्या है। तो ध्यान से देखना है। तो ग्रह किसको कहते हैं? सबसे पहले ग्रह क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं? तो ग्रह किसको कहते हैं? ग्रह जो है बेटा, ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूर्णन या परिक्रमण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूर्णन गति करते हैं या परिक्रमण गति करते हैं, ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। ये अक्ष पर घूर्णन करते हैं, उन्हें परिभ्रमण गति कहा जाएगा। और ये जो ग्रह जो है, अपने अक्ष पर भी गति करते हैं। जब ये अपने अक्ष पर गति करते हैं तो उसे परिभ्रमण गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको? इसको कहा जाता है परिभ्रमण गति, कहा जाता है परिभ्रमण गति कहलाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करना, ग्रहों की अपने अक्ष पर घूर्णन गति करना क्या, कौन से गति कहलाती है? परिभ्रमण गति कहलाती है। और सूर्य के चारों ओर, मतलब मान के चलो ये सूर्य है, मान के चलो ये सूर्य है, ये सूर्य है। अगर सूर्य के चारों तरफ किसी निश्चित कक्षा में अगर गति करेंगे, सूर्य के चारों ओर किसी निश्चित कक्षा में गति करने का कौन से गति कहलाएगी? वो कहलाएगी परिक्रमण गति, है ना। परिक्रमण गति किसे कहते हैं? परिक्रमण गति किसे कहते हैं? मतलब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करना कौन से गति कहलाएगी? परिक्रमण गति कहलाएगी, परिक्रमण गति कहलाएगी। लेकिन बेटे जी याद रखना है, अगर अपने अक्ष पर घूर्णन, अपने अक्ष पर गति करना, अपने अक्ष पर गति करना है ना, किसका? ग्रह का अपने अक्ष पर गति करना। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व पर गति करती है, तो कौन सी गति कहलाएगी उसकी? परिभ्रमण गति कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? परिभ्रमण गति कहेंगे। और दूसरी बात यही है कि स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा ग्रहों पर, स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगा। स्वयं का प्रकाश नहीं होता ग्रहों पर, स्वयं का प्रकाश नहीं होता ग्रहों पर, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। मतलब ये दूसरे तारे के प्रकाश, एक दूसरे तारे से प्रकाशित और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। जो ग्रह होते हैं बेटा जी, जो ग्रह होते हैं वे तारों से, किसी दूसरे तारों से ऊष्मा और प्रकाश को प्राप्त करते हैं और चमकते हैं। मतलब दूसरे तारे के प्रकाश लेकर चमकते हैं और दूसरे तारे से प्रकाश को अवशोषित करते हैं, है ना। मतलब अन्य तारे से प्रकाशित होते हैं, अपने निश्चित पथ पर ही गति करते हैं। मतलब ये निश्चित पथ पर ही गति करेंगे सूर्य के आसपास। सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिक्स ने की थी। सौर सिस्टम की खोज एक वैज्ञानिक थे, कॉपरनिक्स। उन्होंने कॉपरनिक्स नामक वैज्ञानिक ने सौर प्रणाली की खोज की। इसको भी याद रखना है, सौर प्रणाली की खोज की। ग्रहों की गति संबंधित नियम कैपलर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ग्रहों की गति संबंधित नियम कैपलर द्वारा प्रकाशित, कैपलर ने दिया था। कैपलर नाम के वैज्ञानिक जो थे वो दिए थे। तो हमारे सोलर सिस्टम में देख लीजिए बेटा, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य होगा, है ना। सूर्य को सन कहते हैं। और इसके करीब में बुध ग्रह है, जो सबसे छोटा ग्रह होगा। बुध बुध को मरकरी के नाम से भी जाना जाता है बेटा जी। बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। उसके बाद शुक्र ग्रह है बेटा जी। सूर्य दूसरे नंबर में आने, पहले नंबर में बुध ग्रह, दूसरे नंबर में शुक्र ग्रह। शुक्र को वीनस ग्रह कहा जाता है, वीनस भी कहा जाता है बेटा जी। इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर में हमारा पृथ्वी है, जिसको अर्थ कहते हैं, जहां पर जीवन संभव है बेटा जी। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के गैस और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसको भी याद रखना है। मंगल ग्रह है बेटा जी। उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी है बेटा जी। इसके बाद है ना, इसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी लग जाती है, और ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मतलब मरकरी वीनस अर्थ, और इसको मार्स कहते हैं, मंगल ग्रह को मार्स कहते हैं। ये सभी पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाते हैं बेटा जी। ये चारों ग्रह को बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये कहलाते हैं, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाते हैं बेटा जी। आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है इनको। आगे पे बेटा जी, क्षुद्र ग्रह की पेटी के आगे देख लीजिए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण,
बृहस्पति मतलब जुपिटर, शनि मतलब सेंटूर, और अरुण अरुण है ना, अरुण है और वरुण है, तो इसको भी याद रखना, वरुण मतलब नेपच्यून, इसको भी याद रखना बेटा जी, इसको भी याद रखना। ये चार ग्रह है, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है या जोयन ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये बाहर में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह कहा जाता है बेटा जी, या जोयन ग्रह कहा जाता है। क्योंकि जोयन ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तरल पदार्थों से मिलकर बने हुए, इन प्रकार के गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि का घनत्व इतना कम है कि पानी पर तैर, पानी से भी, पानी के घनत्व से भी इसका घनत्व कम है, इसलिए शनि ग्रह पानी पर तैर सकता है बेटा जी, इसको भी ध्यान में याद रखना है। तो हम सोलर सिस्टम से संबंधित अब देखेंगे कि मतलब कैसा क्या है। तो सबसे पहले बुध ग्रह है बेटा जी, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है बेटा जी, सूर्य के सबसे निकट में जो ग्रह उपस्थित है उसको बुध ग्रह कहेंगे, याद रखना है। और सभी ग्रह सौरमंडल में जितने भी ग्रह उनमें से सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है, बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह है बेटा जी, इसको भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बुध की, तो इसकी घूर्णन गति 58 मिलियन किलोमीटर है ना, बुध की घूर्णन गति 58 मिलियन किलोमीटर है। और परिक्रमण गति की बात करूं बेटा जी, तो 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है बेटा जी, परिक्रमण 88 दिन का है बेटा जी, बुध का जो परिक्रमण काल होगा 88 दिन का होगा, तो इसको भी याद रखना, 88 दिन में परिक्रमण काल है बेटा जी। वायुमंडल नहीं है मतलब बुध ग्रह पर किसी प्रकार कोई वायुमंडल नहीं है बेटा जी, बुध ग्रह पर किसी प्रकार कोई वायुमंडल नहीं है, इसका इसका खुद का उपग्रह भी नहीं है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं पाया जाता, बुध ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। और बुध ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है बेटा जी, बुध ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है, इसको भी याद रखना, बुध ग्रह का तापांतर सबसे अधिक है। दूसरे नंबर में अगर मैं बात करूं तो दूसरे ग्रह में शुक्र ग्रह, जिसको वीनस कहते हैं, वीनस ग्रह आता है बेटा जी, सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे नंबर में शुक्र ग्रह आएगा। शुक्र को भोर का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, सायंकाल का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे निकट में बुध ग्रह है बेटा जी, है ना, पृथ्वी के सबसे निकट में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। सुबह का तारा भी कहा जाता है, सांझ का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार एंड यूनिक स्टार के नाम से भी इसको जाना जाता है, शुक्र ग्रह को, वीनस ग्रह को। और ये शुक्र ग्रह जो है सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण गति करता है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करेंगे, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम इसकी खासियत है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, तो इसको भी देखना है। सबसे चमकीला ग्रह है बेटा जी, ये सबसे चमकीला ग्रह है ना, सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है, ये शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, गर्म होने के कारण ये सबसे अधिक चमकीला भी ग्रह है, इसको भी याद रखना है। उपग्रह शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है बेटा जी, है ना, बुध के भी कोई उपग्रह नहीं थे, शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, एक बात याद रखना, शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह है, इसको भी याद रखना है। और CO2 का घनत्व अधिक पाया जाता है बेटा जी यहाँ पे, इसको भी याद रखना है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह है। CO2 का घनत्व अधिक होने के कारण यह सबसे अधिक गर्म ग्रह कहलाता है। 108 किलोमीटर इसका कौन से गति हो जाएगा, परिक्रमण गति जो होगा 108 मिलियन किलोमीटर होगा, और 243 दिन में 243 दिन में परिक्रमण गति कर सकता है, परिक्रमण गति 243 दिन में सूर्य के एक चक्कर ही लगा सकता है बेटा जी, तो इसको भी याद रखना है। इस प्रकार हमने बुध शुक्र और उसके बाद हम पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं बेटा जी। पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर के ग्रह जो है पृथ्वी है तीसरे नंबर के ग्रह जो पृथ्वी है, जिसको अर्थ कहा जाता है बेटा जी, अर्थ इंग्लिश में इसको अर्थ कहते हैं। ये परिक्रमण गति, सूर्य का परिक्रमण गति 365 दिन में करता है बेटा जी, सूर्य 365 दिन में परिक्रमण गति करेगा, है ना। पृथ्वी पर जीवन है, इसे जीवनदायिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है ना। और घूर्णन गति अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है बेटा जी, है ना, घूर्णन गति 24 घंटे है। और एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा बेटा जी, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, इसको भी याद रखना है, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और यहाँ पे जीवन पाया जाता है बेटा जी, है ना, यहाँ पे जीवन पाया जाता है। अगले जो ग्रह होगा मंगल, जिसको मार्स ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह मतलब कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे है ना। अगर सूर्य से क्रम पर देखें तो 4 नंबर पे चौथे नंबर पे मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह क्या है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है बेटा जी, इसको लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। लाल कलर से क्या होता है बेटा जी, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल कलर के दिखाई देते हैं, है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल ग्रह होता है बेटा जी। परिक्रमण काल 687 दिन का होता है, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन का होता है। और मैं मंगल ग्रह का परिक्रमण घूर्णन गति के बारे में बात करूं तो 687 दिन का इसका परिक्रमण काल होता है, इसको भी याद रखना, 687 दिन का परिक्रमण काल होगा। उपग्रह मंगल ग्रह के 2 उपग्रह बेटा जी, डीमोस और फोबोस, है ना,
मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं डीमोस और फोबोस, जिसमें से डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डीमोस मंगल का एक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह सबसे छोटा उपग्रह डीमोस मंगल ग्रह पर भी उपस्थित है बेटा जी, इसको भी ध्यान में रखना है। और मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, है ना, मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद बाह्य ग्रह, अब ये आंतरिक ग्रह समाप्त होते हैं बेटा जी। अब बाह्य ग्रह में है, बाह्य ग्रह में है सबसे पहले बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहा जाता है। बृहस्पति का इंग्लिश में नाम है बेटा जी जुपिटर नाम है, इसे पीला ग्रह कहा जाता है बेटा जी, याद रखना है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, यहाँ गैस और द्रव से मिलकर बना हुआ है यह ग्रह। सबसे ज्यादा यहाँ पे गैस और द्रव के मलमल पाए जाते हैं, यहाँ पे ठोस वस्तु ठोस पिंड नहीं पाए जाते, यहाँ पे ठोस पिंड या ठोस उपग्रह इसके नहीं पाए जाते बेटा जी बृहस्पति का। बृहस्पति पीला कलर का ग्रह है बेटा जी, और आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है बेटा जी। सबसे बड़ा ग्रह कौन कहलाता है? बृहस्पति कहलाता है। इसका परिक्रमण 12 वर्ष का होता है, याद रखना है बेटा जी, है ना, 12 वर्ष का परिक्रमण, परिक्रमण काल 12 दिन का, 12 वर्ष का है बेटा जी पीले बृहस्पति का। और अगर दूरी देखें, है ना, तो 778 मिलियन किलोमीटर है दूरी है, सूर्य से दूरी देखें तो 778 मिलियन किलोमीटर होगा। और उपग्रह यहाँ पे मतलब बृहस्पति का उपग्रह 79 है बेटा जी, इसको याद रखना है। गैनीमिड सबसे बड़ा उपग्रह है बेटा जी, याद रखना है, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है बेटा जी। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमिड ये बृहस्पति का एक उपग्रह है बेटा जी, इसको भी याद रखना है। उसके बाद बृहस्पति के पास शनि उपग्रह आता है बेटा जी, शनि उपग्रह इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। शनि उपग्रह इसका परिक्रमण 29 वर्ष का होता है बेटा जी, शनि का परिक्रमण काल कितना होता है? 29 वर्ष का होता है। और उपग्रह की बात करें, इसके भी कई प्रकार के उपग्रह है बेटा जी, इसको भी याद रखना है। अगला देख लीजिए बेटा जी अरुण, है ना, अगला ग्रह क्या आएगा? अरुण आएगा, अरुण, है ना, अरुण को यूरेनस भी कहा जाता है, अरुण को, अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहा जाता है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, इसको भी याद रखना है, है ना। उसके बाद अगला लास्ट वाला ग्रह आता है बेटा जी, लास्ट वाले ग्रह जो आता है वो वरुण आता है, वरुण जिसको नेपच्यून कहा जाता है। परिक्रमण काल 164 वर्ष होता है बेटा जी, वरुण या नेपच्यून का परिक्रमण काल 164 दिन का होता है। यहाँ पे 13 उपग्रह है बेटा जी, वरुण के 13 उपग्रह, याद रखना है। इसे हरे रंग का उपग्रह कहा जाता है बेटा जी, हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। किसको? वरुण को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। और CH4 की अधिकता के कारण इस ग्रह में CH4 मतलब मेथेन के अधिक होने, मेथेन की घनत्व अधिक होने के कारण इसे हरे रंग के ग्रह कहा जाता है। तो सौरमंडल से संबंधित इस प्रकार से आप लोगों को अध्ययन करना है, और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सोलर सिस्टम को आज हमने अध्ययन किया, इसी प्रकार अगर सब्सक्राइब और लाइक होगा तो और कई प्रकार के वीडियो प्रकाशित होंगे। धन्यवाद।